नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आपको पता है जिस प्रकार से पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है हरियाणा में, कुछ जिलों में हो चुका है और कुछ जिलों में होना बाकी है। अभी दादरी डिस्ट्रिक्ट के गांव बदवाना में हम खड़े हैं और नाम मैं क्या बताऊं, इधर बोर्ड की तरफ कैमरा करें आप देख सकते हैं कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है वार्ड नंबर 11 दादरी से, वार्ड नंबर 11 और प्रत्याशी का नाम है महेश कुमार, गोकल गांव से जो बिलोंग करते हैं और उन्हें जाना जाता है महेश ठेकेदार के नाम से। अच्छा, इधर दिखाने से पहले, भीड़ दिखाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इधर देखें, गाड़ियों की जो भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ गाड़ियाँ हैं और चारों तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई भीड़ का माहौल है, चुनाव का माहौल है। इधर भी देख सकते हैं और ये जो सामने जो रोड है 148B जो दादरी से नारनौल वाया महेंद्रगढ़ से गुजरता है, यहाँ पे पार्षद पद के चुनाव के लिए जो आने वाली तारीख को 9 तारीख को होने वाला है और यहाँ पे आप देखेंगे भीड़ का माहौल, उगता सूरज चुनाव निशान है। अंदर चलेंगे कि भी किस प्रकार से क्या कुछ माहौल है और किस प्रकार से जो महेश कुमार ठेकेदार महेश है वो अपने चुनाव की तैयारी, रणनीति किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम होने वाला है उसके बाद लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि भाई किस प्रकार से दादरी जो विधानसभा है, जो जिला है दादरी, उसके अंदर जो चुनाव का प्रोसेस जो है पंचायत चुनाव का वो चल रहा है। तो अभी चलेंगे अंदर की तरफ और बातचीत करवाएंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी और जो वोटर्स हैं उनसे भी। बने रहें इंडिया न्यूज 16 के साथ। तो अभी मैं बात करवाऊंगा जो पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने नामांकन किया है और उगते सूरज का जो चुनाव निशान है, तो महेश ठेकेदार नाम है। ठेकेदार साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप। बढ़िया प्रदीप जी, आप बताइए। कुर्ते पजामे पहन के आ गए फील्ड में? नहीं, कुर्ते में तो काफी दिन हो गए, 3 साल से लगे हुए हैं पहनने। हाँ जी। अच्छा, हर जगह नाम सुनने को मिलता है, समाज सेवा की बात करते हैं तो, और अब राजनीति का कैसे, क्या कुछ? देखो, समाज सेवा एक आदमी का कर्तव्य होता है, वो करना चाहिए आदमी, जितनी इच्छा हो आदमी की उतने अपने हिसाब से कर देनी चाहिए। आज बताया जा रहा है कि कार्यालय का उद्घाटन है, तो कहाँ कहाँ कार्यालय खोले जाएंगे? वैसे एक तो मेरे गांव में 15 दिन पहले जब चुनाव का आयोजन हुआ उसी टाइम कार्यालय खोले गया था। एक आज यहाँ बदवाना पड़ता है तो बदवाना के आसपास सभी गांव में 8-10 किलोमीटर के जितने भी 14 गांव हैं वो सभी इसके आसपास में आते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया हमने बदवाना को ही चूज़ किया कि मेन बस स्टैंड है और यहीं पे कार्यालय खोला जाए, यहाँ आने जाने वाले आदमियों को जो भी कार्य करता है उसको कोई दिक्कत ना हो। तो लगभग कौन कौन से गांव आते हैं, कुछ नाम बताएंगे? गांव आता है सबसे पहले मेरा रामलवास, गोकल, चनाणी और बीजना, जावा, बदवाना, पालड़ी, चांग रोड, बाल रोड और डोर टू डोर। हाँ, बस एक चिड़िया बचाया गांव और उसमें मैं कल कर दूंगा डोर टू डोर, थोड़ा चुनाव नज़दीक होने के कारण थोड़ा मैं कर नहीं पाया। बीच में मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, उस वजह से मैं थोड़ा लोगों से दूर हट गया था कि पिताजी की दवाइयों के लिए, बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, चुनाव का समय नज़दीक है, कार्यालय खोला जा रहा है और इतनी संख्या में भीड़ जो आज आई है, क्या कुछ कहेंगे इस लोगों को जो आपके समर्थन में आए? देखिए, जो भी मेरे समर्थक हैं वो अपनी इच्छा से आए हैं, मैंने तो एक फ़ोन किया था सभी को, भाई इतने एक फ़ोन करने से इतनी संख्या में तादाद में लोग पहुँचे हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि मेरे एक बुलावे से इतनी तादाद में लोग पहुँचे यहाँ पे। क्या कहेंगे लोगों को, सूरज जो चमकता है उसे कितना चमकाना है? मैं तो यही कहूँगा, सूरज तो हमेशा चमकता रहा है, कभी सूरज तो बुझा ही नहीं, तो सूरज तो चमकता ही रहेगा। हाँ जी, सूरज चमकता ही रहेगा। तो ठेकेदार साहब कह रहे हैं भाई सूरज चमकता ही रहेगा, अभी बदवाना गांव में है और यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन है और चारों तरफ आप देखेंगे, घुमाएंगे तो गाड़ियों की भीड़, लोगों की भीड़, यहाँ खाने पीने का इंतजाम किया गया है, उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन होगा। और ठेकेदार साहब बता रहे हैं कि समाज सेवा 3 साल से करते आ रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है जो अब गाँवों में जाते हैं? देखिए, समाज सेवा तो मैं काफ़ी सालों से करता रहा हूँ, जो भी मेरे, लेकिन मेरे हल्के में मैं पहले सरपंच था, मेरे पिताजी, तो गांव में यदि कोई भी बात हुई तो वहाँ सेवा करते रहे। फिर 3 साल पहले मैंने किसी बड़े बुजुर्गों ने मेरे को कहा भी अगर आप जिला परिषद का चुनाव होगा तो मैं जिला परिषद के हर गाँव में जाना, वहाँ भी जो भी कार्यकर्ताओं की बात आती है वहाँ मैं आता हूँ जाता हूँ, कोई भी बच्चे खेलों के सामान की कोई भी कहते हैं, कोई भी सामाजिक कार्य होता है वहाँ मैं, मेरे एक कहने पर मैं सामने चले जाता हूँ।
ये बात बहुत सामने आई है मेरे को भाई, खेलों को लेके ठेकेदार साहब बहुत एक्टिव रहते हैं, कहीं भी सामान की जरूरत हो, कहीं खेल करवाने हो तो सबसे आगे मिलते हैं। देखिए बच्चे ही आज के दिन देश का भविष्य है, सबसे पहले यदि बच्चे कुछ होंगे तो ही आगे कुछ देश बढ़ेगा, नहीं तो कुछ जहाँ जनरेशन होगी वही तो आगे कुछ ले जाएगी देश को। बिल्कुल बिल्कुल, खेल को लेके बहुत एक्टिव हैं। अगर आपके गाँव में खेल की कोई समस्या है, खेल का सामान नहीं है, तो आने वाले समय में और कभी भी आप बता सकते हैं, ठेकेदार साहब तैयार मिलेंगे। समय कम है, लोगों से बातचीत करेंगे आप, क्योंकि आने जाने वाले लोग ज़्यादा हैं, मिलने वाले लोग ज़्यादा हैं। और भीड़ देखें, बुजुर्ग से लेके नौजवान, माता बहनें, आपने डांस पिछली वीडियो में देखा किस प्रकार से माता बहनें डांस कर रही थी और कह रही थी कि भाई महेश को जिताना है, सूरज को और चमकाना है। बाबा राम राम, नाम क्या है आपका? सुधार सतवीर। गाँव कौन सा है? बदवाना। अच्छा, तो बदवाना में अभी कार्यक्रम हो रहा है, खोला जाएगा कार्यालय महेश कुमार जी का, क्या लगता है क्या रहेगा चुनाव का? महेश कुमार बहुत बहुमत से जीतेंगे और बहुत ही अच्छे कर्मठ नेता हैं, अच्छे और काम करते हैं, गेम के लिए भी, बच्चों के लिए भी, हर आदमी से मिलजुल कर रहते हैं। हर आदमी से मिलकर, हाँ जी, तो जब भी हम फोन करते हैं तो तैयार मिलते हैं। तैयार मिलते हैं, हाँ जी। तो सूरज अब की बार जोर से चमकेगा, फिर जोर से चमकेगा, बिल्कुल बिल्कुल जी, वादा है। अब अपना कौन सा गांव? गोकल है जी। गोकल है, खुद के गांव से ही है। हाँ जी। तो अपना गांव तो एक तरफा होगा? हाँ, हमारा एक तरफा गांव है, पूरा गांव। हमारे लगभग 580 वोट पोल होंगे। 580 में से कितने वोट महेश ठेकेदार को मिलेंगे? 580 के 580 महेश के हैं। कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कोई ये दावा हमारा पूरा नहीं, नहीं नहीं, कोई हमारा वोटर है वो गलती से कोई बटन नहीं दबाएगा, फिर चमक जाएगा। बिल्कुल, सूरज चमकेगा, छान में चमका था और फिर आप दोबारा चमकेगा, बिल्कुल पक्का चमकेगा। सभी में उत्साह है कि चमकेगा, उम्र देखें और उत्साह देखें कि किस प्रकार से। बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम सूरज छानवे में चमका था और अब फिर दोबारा आपकी बार चमकेगा, पक्का वादा है, हमारा पक्का इरादा है। क्या नाम है? मैं महिपाल सिंह आर्य, हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित, और ये 10 साल 11 महीने 9 दिन से कार्य कर रहे हैं विकास के लिए, और इनकी सकारात्मक सोच है, और इन्होंने जावा, बदवाना, चांग रोड वगैरह इन विकास के काम किए हैं, और नौजवानों को उत्साहित करने के लिए ये दान भी देता है, और जहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन होते हैं देश प्रेम के लिए या खेलों को बढ़ावा देने के लिए, ये इनकी अहम भूमिका है। मैं रुद्रोल से महिपाल सिंह आर्य, हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित और सोशल वर्कर हूँ। अब की बार ये विजय श्री मिलेगी इसको, इसको वोट मिलेंगी 6,170 वोटों से। हाँ, 6,000 से ज़्यादा जीत होगी। हाँ, जीत होगी, 6,170 वोटों से विजय मिलेगा, और एक सूरज की तरह ये निकल रहा है। 6,170 वोटों, फिक्स बता दिया आप? फिक्स बता दिया, पक्की बात? पक्की बात है, भविष्यवाणी कर दी कि 6,170 वोटों से महेश ठेकेदार विजय होंगे वार्ड नंबर 11 से। तो रिटायर व्यक्ति हैं, क्या 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 सम्मान मिला था आपको? मैंने भारत गौरव अवार्ड, हाँ, 2016 के अंदर 8 मई को, और 23 मई 2020 को मिलना मिला है इंडियन एक्सीलेंट अवार्ड, और 23 मार्च 2023 को मुझे वर्ल्ड एक्सीलेंट अवार्ड मिलेगा। ये फिर कैसे भविष्यवाणी की, कैसे आंकड़े निकाले आपने 6,100 कुछ? ये मेरा जो दिमाग है वो सकारम सोच से है, और मुझे 3:41 पर एक दृष्टांत आता है, और उस रडार पर ये मेरी बातें आ जाती हैं, भाई ये इतने वोटों से जीतेगा, पक्की बात है, ये पक्की बात है 100%। तो भाई भविष्यवाणी कर दी है, 6,100 कितने वोट जी? 70। 6,170 वोटों से महेश ठेकेदार विजय बनेंगे, और ये भविष्यवाणी देखेंगे चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद की क्या कुछ मिलता है। अभी बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। बाबा नाम क्या है, इसको छोड़ दो आप। मेरा नाम दलबीरा जी। गाँव कौन सा है? चंदेनी गांव से बोल रहा हूँ मैं जी। वोट कितने हैं अपने गांव में? वोट हमारा 2,200 है। 2,200। तो महेश ठेकेदार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितने वोट मिल पाएंगे अपने गांव से? हमारे गांव से कम भी नहीं तो 1,000 वोट, तो 1,500 वोट मिल जाएंगे। 1,500 वोट मिल जाएंगे, मतलब गांव से जीत के निकालोगे? बिल्कुल निकालेंगे, पक्की बात है। सुक्की बिल्कुल जोड़ा में सुक्की बाजी करके खेलना हमारे गांव से हमारा। हाँ हाँ जी बाबू जी, नाम बताइए। महेश विजेंद्र कुमार, गाँव रामलवास। रामलवास, तो रामलवास एक कैंडिडेट दूसरा भी खड़ा है। हाँ जी, तो क्या लगता है कि रामलवास में महेश? रामलवास में जी 17 वोट है।
और 1200-1300 की पोलिंग है तो 1000 वोट महेश एकदार का है। तो अपने गांव के व्यक्ति को छोड़ के दूसरे गांव के व्यक्ति को वोट देना, क्या मेन भाई मेन पॉइंट क्या लगता है? मेन कारण है जी, भाईचारा में कदे भी नहीं बैठे। अच्छा, आपके गांव से जो है? हाँ। अच्छा, तो महेश जी बढ़िया वार्ड में बिल्कुल, मतलब किसी भी गांव में जावा ना तो पहली महेश और फिर अपने मानी भाई। तो लोगों ने बताया है कि भाई जीत पक्की है और बहुत से गांव के लोग यहां मौजूद हैं और भी गांव से। बाबा रामराम, गांव कौन सा बाबा? गोकल जी। गोकल अपने गांव से ही है? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं 500 कुछ वोट है अपने गांव में? हाँ जी, 1800 वोट है। सारे वोट महेश को? एक एक आदमी मोर लगाएगा। क्या कारण है इसका बाबा? हमारा गांव का कैंडिडेट है, अच्छा आदमी है। अच्छा, नेक आदमी है। आदमी सही है? हाँ सही है, सही को ही चुनना चाहिए। हाँ सही। जब और भी जो व्यक्ति हैं जिन्हें वोट डालना है, उन्हें क्या संदेश देंगे, कैसे व्यक्ति को वोट करें? क्या ईमानदार आदमी है? हमें यही संदेश देते हैं, ईमानदार आदमी है, नेक छवि का आदमी है, युवा शक्ति साथ है पूरी पूरी। वाह जी वाह। तो बहुत से गांवों से व्यक्ति आए हैं, गोकल से, कहीं चंदेणी से, बहुत से गांव। यहां खुद ये जो गांव है इसमें हम खड़े हैं, यहां के लोगों से बातचीत की है कि भाई एक तरफा माहौल है बदवाना में, जो आज ये कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, तब तक बने रहे। तो युवा साथी हैं और आपको पता है कि यहाँ वाटिका में खड़े हैं, वार्ड नंबर 11 दादरी डिस्ट्रिक्ट का आता है। बहुत से युवा साथी हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो बातचीत करते हैं। क्या नाम है जीप का? बाबूलाल। नाम तो बता दो, नाम क्या दिक्कत है? बाबूलाल। गांव कौन सा है? बदवाना। बदवाना। तो क्या लग रहा है बदवाना गांव वार्ड नंबर 11 महेश जी के कार्यक्रम में आप खड़े हैं? बहुत बढ़िया है जी, और बढ़िया वोटों से जीत होगी। चुनाव निशान क्या है? सूरज का है। तो सूरज अब खिलेगा? हाँ खिलेगा, ठंडी के माहौल में खिलेगा, चमकेगा, खिलेगा नहीं चमकेगा। भाई नाम क्या है? राकेश। गाँव? बदवाना। बदवाना से ही है। तो कितने वोट मिलेंगे बदवाना से? बदवाना से पूरा मजबूत है, एक तरफा है। हाँ एक तरफा है। अच्छा जी, जी बाबू जी नाम बताओ? भवानी नाम है। तो वार्ड नंबर 11 में आते हैं। क्या लग रहा है वार्ड में काफी लोग खड़े हैं, किस प्रकार से माहौल? महेश ठाकुर ठेकेदार का एक तरफा माहौल है। एक तरफा है। कितने कैंडिडेट खड़े हैं? कैंडिडेट तो बहुत खड़े हैं, बाकी महेश ठेकेदार का एक तरफा माहौल है। अच्छा जी, तो बहुत से लोग मैंने सुना है कि बाहर से भी आ रहे हैं, जैसे महेंद्रगढ़ से बहुत से लोग यहाँ आए हैं सपोर्ट करवाने के लिए। तो दूसरी जगह से आके और वोट मांगना कितनी बड़ी बात है? ये लोकप्रियता है महेश ठेकेदार की। अच्छा। जो लोग बाहर से आके उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वाह जी, क्या नाम है? अरविंद नाम है जी। गाँव कौन सा? चंदेणी। तो क्या लग रहा है चुनाव चल रहा है, कौन जीत पाएगा, पार्षद कौन बनेगा, काफी लोग खड़े हैं? देखिए मेरे गांव के नहीं, 14 गांव की आवाज़ है। महेश ठेकेदार ठीक लड़का, अच्छा लड़का है, होना बच्चा है। अच्छा। जमींदार का बच्चा है, किसान की धरती से, जमीन से और समाज से जुड़ा बच्चा है। सामाजिक कार्यों में? हाँ जी आगे। हाँ हो जाएगा। ओम प्रकाश नाम भाई। पालड़ी। पालड़ी पालड़ी दादरी में आता है? हाँ दादरी में आता है। वार्ड 11? हाँ वार्ड 11 में। कितने कैंडिडेट खड़े हैं पार्षद के लिए? तीन कैंडिडेट खड़े हैं। तीन फाइट में? तीन है, खड़े ही तीन है। खड़े ही तीन है। अच्छा, हमें तो तीन का पता है, बाकी पता नहीं, अपने घर में कोई खड़े हो तो पता नहीं। तीन ही आते वोट के लिए। तो महेश जी भी खड़े? महेश जी की अच्छी पोजीशन है भाई, अच्छी पोजीशन है। और जीत हार तो किस्मत की बात है, पोजीशन अच्छी है। अच्छी पोजीशन है, उरे देख लें भीड़ भाड़ कितनी हो रही है। अच्छी भीड़ है, गाड़ियां काफी खड़ी है। भाई गाड़ी गुड्डी आदमी उदमी कितने खड़े हैं, तो पोजीशन है, जबित खड़े। अब बिना पोजीशन के कौन आएगा? अब वोटर होगा, सपोर्टर होगा, वो ही आओ, और बाकी कोई ना हो जी। सही बात। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भीड़ का माहौल है और बता रहे हैं कि भाई हो सकता है, काफ़ी लोग खड़े हैं, काफ़ी बैठे हैं, और सभी बता रहे हैं कि भाई तीन कैंडिडेट खड़े बताए हैं और बाकी का पता नहीं, जिसमें महेश की जो पोजीशन है वो अच्छी बताई जा रही है। जी बाबा। हाँ जी। नाम बताओ? बलवान। गांव? सनाणी। चंदाणी। तो काफ़ी लोग आए हैं आपके गांव से आज यहां कार्यक्रम में। तो क्या जिस प्रकार से पहुंचे हैं वोट भी उसी प्रकार से? उसी प्रकार से। लगभग कितने वोट अपने गांव से मिल पाएंगे? 70% जीत पक्की है। तो भाई हर व्यक्ति ये कह रहा है कि 70% वोट मेरे गांव से मिल जाएंगे तो फिर तो जीत होनी ही है। और काफ़ी एक बार चारों तरफ घुमाएंगे तो देखेंगे कि भाई बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और लगातार मैं आपकी बातें करवाता रहूँगा, तब तक आप बने रहें।